हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मिडिवल हिस्ट्री. मिडिवल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत. यू मस्ट हैव रीड इन लास्ट क्लास और प्रीवियस क्लासेस एंशिएंट इंडिया. आई होप कि आपने उसे कंप्लीट कर लिया होगा. तो मिडिवल हिस्ट्री मतलब जो मध्यकालीन भारत होता है. जैसे जब एंशियंट में आपने पढ़ा होगा तो मगध यूनिवर्सिटी में, सॉरी मगध डायनेस्टी जो होते हैं, मगध डायनेस्टी जो था, मगध में जितनी डायनेस्टीज थे आपने सब उसको देखा होगा. इसके बाद जो पढ़ने होते हैं वो होता है आपको मिडिवल हिस्ट्री. मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड होता है, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड होता है 1206 to 1526. इसका टाइम पीरियड होता है. अब ये डायनेस्टी क्या होते हैं? डायनेस्टी मतलब एक किंगडम का एक वंश होते हैं, जिसको वंश बोलते हैं हिंदी में. तो उसका पहला जो डायनेस्टी होगा वो स्लैब डायनेस्टी होगा. ममलुक डायनेस्टी भी इसे बोला जाता है, स्लैब डायनेस्टी और ममलुक डायनेस्टी. सैलब मतलब क्या होता है? गुलाम. यानी पूरे दिल्ली का जो सल्तनत जो चलेंगे, पूरे दिल्ली का जो राजपाट जो चलेगी पूरे गुलाम पर बेस्ड होगा. यानी यहाँ जो राज जो करेगा, यहाँ जो शासन जो करेगा वो गुलाम ही होगा, किसी ना किसी का गुलाम होगा. वो कोई राजा नहीं था, जो यहाँ बना है वो गुलाम बना है, उस पर जो राज किया हो गुलाम हुआ. जैसे सैलब और ममलुक डायनेस्टी जो होता है 1206 में जो हुआ, इसको जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, यू मस्ट हैव द नेम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था. क्या था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था. अब इसके बारे में देखेंगे कैसे गुलाम हुआ था, मोहम्मद गौरी का कैसे गुलाम था और इसकी क्या इंडिया में योगदान है, कैसे इस तरह से भारत में आया और किस तरह से दिल्ली का राजा बना, तो इसके बारे में हम देखेंगे. तो स्लैब डायनेस्टी के बाद देखिए उसमें जो होते हैं फाइव जो किंगडम होते हैं, फाइव डायनेस्टी वहाँ पे राज किया है. खिलजी डायनेस्टी सेकंड में आएंगे, खिलजी डायनेस्टी. फिर आएगा आपको तुगलक डायनेस्टी आएगा, फिर आपको सैयद डायनेस्टी आएगा, फिर आपको लोधी डायनेस्टी आएगा. बहलोल लोधी इसका जो है संस्थापक थे. इसमें ख्रिज खां होंगे संस्थापक, ग्यासुद्दीन तुगलक संस्थापक होंगे और ये जलालुद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी का संस्थापक होंगे. ओके, तो बात करते हैं कि ये लोग क्या थे. तुर्कीज थे, तुर्क रहने वाले थे. 1 2 3 4 ये फोर लोग जो थे टर्किज थे, तर्क के रहने वाले थे, तुर्कीज के रहने वाले थे. और ये जो लोधी डायनेस्टी, जो फाइव डायनेस्टी जो यहाँ होगा, फिफ्थ डायनेस्टी जो होगा दिल्ली पर राज करने वाला, वो होगा आपको अफगान का होगा. ओके, अब आ गया ये कि सर मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी का कैसे कनेक्शन हुआ कि मोहम्मद गौरी जो है वो दिल्ली का राजा न बनकर उसका स्लैब बना. इसके पीछे जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर. जैसे ही बात यहाँ आती है मोहम्मद गौरी का, तो इन दोज डेज अफगानिस्तान अ कंट्री टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया का एक कंट्री था अफगानिस्तान. ओके, वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम्स. ये जो छोटी छोटी राज्यों में डिवाइड कर दिया गया था बहुत सारे, ठीक है. और यहाँ पे जो रूल करते थे, जो रूल होता था, जो शासन करते थे वो बेसिकली टर्की होते थे. कहाँ पे? अफगानिस्तान के जो राज थे नॉर्थ वेस्ट के साइड में, अफगानिस्तान जो है उसमें वो छोटे छोटे राज्य टुकड़ों में बट गया था. उसमें जो राज करने वाले थे वो टर्किस थे. क्या थे? टर्की. कहाँ? अफगानिस्तान में. इसलिए बोलते हैं कि वो अफगानी नहीं था. ये आपको जो मोहम्मद गौरी हुआ, एक्चुअली वो अफगानिस्तानी नहीं था, वो टर्किस था. इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुके थे और वहाँ के जो राज करते थे, वो राजा जो होते थे वो टर्किस लोग होते. टर्क सुल्तान्स वेयर कंस्टेंटली एट वॉर विथ ईच अदर टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज. अपने जो राज्य हैं छोटे छोटे राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, किसी पर आक्रमण करके, उसको अटैक करके, उसको हरा के. उन्हीं में सा एक था मोहम्मद गौरी. यही इम्पोर्टेंट है.
Among them was Muhammad Ghori. उसमें से कौन था? मोहम्मद गौरी. द सुल्तान ऑफ द स्मॉल प्रिंसिपल ऑफ गौरी ही ट्राइड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर इन टू ईरान बट वॉज डिफेटेड बाई द शाह ऑफ खुरासान. ये हालांकि ना ये ईरान में अपना राज अपना पैर पसारना चाहता था, लेकिन यहाँ जो शाह ऑफ खुरासान था इसके कारण ये इतना ताकतवर था कि इसको ये हरा नहीं सका. ठीक है, ये खुद इससे हार गया था. ठीक है, अब शॉर्ट में निकलते हैं कि अब इंडिया में जब आएगा मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी जो है सबसे मुल्तान इन पंजाब रीजन में अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ से तो इसका ईरान में उसका धाक नहीं जमा, ईरान में तो ये इसको हरा नहीं सका. तो अब देखेगा कि किसी को न किसी को हरा नहीं है, तो ये इंडिया को कमज़ोर समझ के यहाँ पर अटैक कर देगा. मोहम्मद गौरी जो है मुल्तान इन पंजाब, पंजाब रीजन में मुल्तान होता, वहाँ पर अटैक करेगा. फिर इसके बाद जो है गुजरात में अटैक करेगा. ठीक है, और गुजरात के बाद जो गुजरात में जो थे चालुक्य किंग जो थे ये बहुत ताकतवर थे. ठीक है, अब आते हैं, हालांकि ये बाद में हार जाते हैं. मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी कंक्वर्ड मुल्तान इन द पंजाब, पंजाब रीजन में क्या करेगा? अटैक करेगा. ठीक है, जैसे आपने अपने देखा कि वहाँ पे वो हरा नहीं सका, जो शाह ऑफ खुरासान था ईरान का उसको हरा नहीं सका, तो ये इधर मुड़ गया और ये भारत में पहुंचा. तो भारत में जब पहुंचेगा तो ये इसके बाद गुजरात में अटैक करेगा. कहाँ अटैक करेगा? गुजरात में. इसके बहुत बड़ा सेना थे, मोहम्मद गौरी बहुत बड़ा काबिल था, बहुत बड़ा इसके आर्मी सेना थे, तो ये अटैक कर सकता था. ही वॉज एबल टू अटैक, किसी पर अटैक करने वाला था वो कर सकता था. तो पंजाब रीजन में किया, हरा दिया, फिर गुजरात में किया. तो गुजरात से सटा हुआ जो बॉर्डर था वो दिल्ली था भैया. ओके, और जो दिल्ली था, अब जो दिल्ली उस समय दिल्ली में जो राज करते थे वो थे पृथ्वीराज चौहान. ये आएगा आपका नाम, पृथ्वीराज चौहान. ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम दैट टाइम. ये उस समय के बहुत बहुत मजबूत किंगडम थे, बहुत बहुत मजबूत बोल सकते हैं, ये इंडियन थे. ठीक है, तो दिल्ली में राज किसका था? पृथ्वीराज चौहान को. आप जब एंशियंट पढ़े होंगे तो उसमें जितने भी इंडियन हुए, जो भारतीय जो शासक हुए, इसके बाद जो मिडिवल में आएंगे तो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में राज करते थे. ओके, अब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो होगा ये होगा लड़ाई, फर्स्ट तराइन बैटल. तराइन बैटल फर्स्ट हो जाएगा कितना 1191 में होगा. ओके, 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का बैटल फर्स्ट में डिफीटेड बाय मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान, यानी मोहम्मद गौरी जो है बुरी तरह से हार जाएगा. ये किससे हार जाएगा? पृथ्वीराज चौहान से. ये चौहानों का चौहान, इतने बड़े थे इनकी आर्मी सेना, उसके उनकी आर्मी सेना जो था मोहम्मद गौरी का, इनके आर्मी सेना के सामने टिक नहीं पाया. ओके, और मोहम्मद गौरी को तो मार ही डाले थे पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी को लगभग मार ही डाले थे. लेकिन उसका एक स्लैब था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली का फर्स्ट डायनेस्टी अपना तैयार करेगा, ये राज करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक. अब देखिए, हम ये बताया कि वो हालांकि तुर्क था, हमने यहाँ लिखा है कि वो तुर्क है, ये क्या था, मोहम्मद गौरी जो है तुर्की है, तुर्क का था ये. ठीक है, तुर्क के रहने वाला था. अब ये तुर्क के रहने वाला था क्योंकि ईरान वेस्ट जब ईरान पे हमला किया, या फिर अफगानिस्तान पर जब किया, तो अफगानिस्तान टोटे टोटे छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, क्योंकि तुर्क लोग हमला करके उसको अलग अलग कर दिए थे. ठीक है, तो अफगान के ये नहीं था, तुर्क के था. और इसके बाद जो ईरान में जो हमला करने लगा, ईरान में हार गया, तो साइड से वो आ गया भारत में पंजाब पर. पंजाब रीजन में जब अटैक करेगा तो वहाँ हार जाएंगे, वो जो राजा वहाँ के होंगे पंजाब का मुल्तान वाले राजा हार जाएंगे. तो हार जाने के बाद गुजरात पर अटैक करेगा, गुजरात से सटा हुआ जो दिल्ली का बॉर्डर होगा उसमें पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर अपना शासन जमाए बैठे रहते हैं, और इनकी आर्मी सेना के सामने मोहम्मद गौरी की सेना कुछ नहीं टिक पाती है, एकदम तुच्छ के बराबर होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मार ही डाले थे
लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक किसी तरह से उनको बचाकर फिर तुर्क लेके चला गया, लेके तुर्क चला गया, मारे नहीं थे, यही कारण अधमरा करके छोड़ दिए थे उसको। तो ये मोहम्मद सलाब जो था इसको कुतुबुद्दीन ऐबक उसको उनको बचा के ले गया। अब जब सेकेंड में जब मोहम्मद गौरी आता है, सेकेंड बैटल जब होता है, सेकेंड बैटल होता है तराइन का, सेकेंड बैटल जब तराइन को होगा 1192 में होगा, इस समय जो होंगे आपको मोहम्मद गौरी हारे जाएंगे, पृथ्वीराज चौहान वाज डिफेटेड बाय मोहम्मद गौरी। ओके स्टूडेंट, मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा और उसका राजतंत्र पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेगा। जब अपने कब्जे में कर लेगा तो फिर ये क्या करेगा, 1192 तक इसी तरह से लड़ाई छोटे छोटे टुकड़ों में उसको लड़ाई होती रहती है, लेकिन जब दिल्ली का जो राज बनेगा वो 1206 में यानी 1206 में ये जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक अपना जो है स्लेब ममलुक डायनेस्टी को निर्माण करेगा या संस्थापना करेगा और यहाँ पे वो उसका स्लेब ममलुक डायनेस्टी चलने लगेगा। ठीक है, अब बताइए कि सर ये पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था, नहीं इसको बंदी बना लिया था। देखिए हिस्ट्री जो हिस्ट्रियन है वो बहुत इनकी मत है अभी उलझा हुआ है किस तरह से लोग कहते हैं कि उन्हें बंदी बना दिया गया था और बंदी बना के उन्हें रखा गया था, और उसकी कहानी है कि बंदी बना के जब रखा गया था तो हालांकि पृथ्वीराज चौहान ही ऐसा कुछ कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान उसको खुद मारे थे, मोहम्मद गौरी को इन्होंने खुद मारा था। ये बहुत बड़ा तीरंदाजी थे, बहुत बड़ा धनुधारी थे, और ये उनकी साउंड के अनुसार कि किधर उनका तीर चलाना है उसको पता चल जाता था। तो इसकी एक कहानी है, उसके बाद में बताऊंगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था, पहले ही मार दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को खुद मारे हैं और मारने के बाद ये मर गए हैं। कुछ लोग कहना है कि पृथ्वीराज चौहान मर गए थे, इसके बाद मोहम्मद गौरी किसी न किसी कारणवश धीरे धीरे वहाँ पर राज करते करते, हालांकि कोई अभी डायनेस्टी स्थापना नहीं किया था, धीरे धीरे राज करते करते वो मर गया। इसके बाद उसका जो गुलाम था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, वो यहाँ पे शासन करना शुरू कर देगा दिल्ली पर। इसके बाद कहानी आती है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनके 5 संस्थापक होंगे। इसके बाद जो होगा रजिया सुल्तान भी इसी में आएंगे। रजिया सुल्ताना आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा कारनामा किया था उन्होंने, तो बहुत इसमें भी बहुत बड़े बड़े डायनेस्टी आएंगे, बहुत बड़े बड़े किंगडम आएंगे, बहुत बड़े बड़े किंग आएंगे और ये यहाँ पे शासन करेंगे। इसके बाद खिलजी आएगा, खिलजी के बाद तुगलक आएंगे, तुगलक के बाद सैयद आएगा, सैयद के बाद लोधी आएंगे। इस तरह के डायनेस्टी आते ही रहेंगे। ओके, फिर हम अब स्लेब डायनेस्टी को पूरी तरह से हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।